नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके सामने में हम जो है ब्लूटूथ ईयरफोन्स की जो है अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। जो बोल्ट ऑडियो जो बोल्ट कंपनी के हैं उनके हैं ट्विन पोर्ट्स हैं, जो दो पोर्ट्स एक ही अंदर मिलते हैं विद एक चार्जर, मतलब कि जिसके अंदर रख के हैं उसको अपने चार्ज हो जाएगा। तो उसकी जो है हम अनबॉक्सिंग करने वाले बजट ईयरफोन्स हैं, मतलब कि हाँ बजट में आते हैं हिसाब से, मतलब बजट में बेस्ट ईयरफोन्स ये आपको मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं, जो हमने ये अमेजोन से मंगाया। आपको अगर खरीदने हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सिंपली इसको वहाँ से खरीद सकते हैं। तो सिंपली यहाँ को खोल लेता हूँ मैं। वैसे मैंने पहले इसको एक बार खोल लिया है, तो मैं दोबारा इसको खोल रहा हूँ अभी अनबॉक्सिंग करने के लिए। तो मैं दोबारा खोल रहा हूँ इसको, तो मैं इसको निकाल देता हूँ फटाफट से। तो दोस्तों ये रहे हमारे ईयरफोन्स, इसके अंदर हमको मिल जाता है ये एक बॉक्स, इसके अंदर हमारे ईयरफोन्स होंगे और ये भी कुछ सामान मिलता है इसके अंदर। क्या होगा, चार्जर होगा शायद, हाँ ये डाटा केबल है हमारा। एक साथ हमें अडेप्टर तो नहीं मिलता है, डाटा केबल डाटा केबल मिलती है, अडेप्टर हमें अपना यूज़ करना पड़ लगता है। तो इसको हम रख देते हैं अभी साइड में, इसको रखते हैं इसके अंदर, इसको रखते हैं साइड में और देखते हैं इसके अंदर और कुछ है कि नहीं। तो अभी चेक कर लेते हैं इसको ओपन करके, पूरा खोल के देखेंगे। इसमें तो ये स्पंज सा है, मुलायम सा मदर सा, तो छोड़िए इसको। और ये तो मैंने फाड़ दिया था गलती से। तो ये इसका कस्टमर केयर का कार्ड है, मतलब कि इन कंपनियां कार्ड है, तो छोड़िए। ये इसकी शायद यूज़र मैनुअल होगी, हाँ जी ये इसकी यूज़र मैनुअल है। इसको कैसे आपने यूज़ करना है, किस तरह से ये वर्क करेगा, इस तरह से। तो ये वो चीज़ है, इसको भी हम साइड में देते हैं, बाकी बॉक्स इसको भी हम साइड में देते हैं। तो बाकी हम खोलते हैं इसको, ये रहे हमारे एयरफोन्स। तो मैं इसको निकालता हूँ बाहर, तो कुछ इस तरह से होंगे। देखिए यहाँ पर ब्लू लाइट का मतलब है कि हमारे जो ईयरफोन्स है फुली चार्ज हैं, और अगर चार्जिंग ला के यहाँ रेड लाइट है, मतलब कि अभी चार्ज हो रहा है, जैसे ब्लू लाइट है उसमें चार्ज हो चुका है। तो इसके साथ हम इसको ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं इसको डायरेक्टली, इसमें से निकालता हूँ ये डायरेक्टली अपने आप ही यहाँ पे ऑन हो जाते हैं, और जैसे मैं लगाऊंगा तो चार्जिंग इनकी शुरू हो जाए। फिर अभी इसकी फुल चार्जिंग है, इसलिए अभी ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर ये ऑन हो चुका है, अभी कनेक्टिंग के लिए ढूंढ रहा होगा कोई, तो फिलहाल तो अभी नहीं मिलेगी क्योंकि अभी मेरा फ़ोन इंस्टॉल नहीं किया। तो मैं फिलहाल सबसे पहले आपको अपना फ़ोन दिखाता हूँ, मतलब कि मेरा जो पुराना फ़ोन है उसको ही करूँ, क्योंकि अपना फ़ोन से तो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैं उसको नहीं कर सकता। तो मैं अपने पुराने फ़ोन से इसको कनेक्ट करके देखता हूँ। तो जैसे मैंने अपना पुराना फ़ोन ओपन कर लिया, तो यहाँ मैं इसका ब्लूटूथ ऑन करता हूँ और यहाँ पर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ ट्विंस एयरपोर्ट से। तो मैं इनको निकाल लेता हूँ बाहर, ये शायद हमारा ऑन नहीं हुआ है, इसको मैं बटन दबा के यहाँ से ऑन कर लेता हूँ। तो दोस्तों जहाँ हमें देख सकते, ये भी बंद हो चुका है। मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ इसमें डाल के, जैसे मैं इसमें डालूंगा इसमें, इसकी चार्जिंग अपने आप ही शुरू हो जाएगी। जैसे मैंने इसको इसमें डाला और ये देख चार्जिंग रेड लाइट आएगी, मतलब चार्जिंग शुरू हो चुकी है। उसको डालूंगा बंद हो जाएंगे अपने आप ही, और यहाँ पर इनकी चार्जिंग शुरू हो जाएगी, दोनों की रेड लाइट आ चुकी है, दोनों चार्जिंग शुरू हो चुकी है। मैं दोनों को दोबारा निकालता हूँ तो अपने ऑन भी हो जाएंगे। फर्स्ट टाइम शायद तब ना हो रहे हो, तो देखिए यहाँ पे दोनों ऑन हो चुके हैं। अब मैंने वो कनेक्ट करूँगा इस फ़ोन के साथ, तो मैं इसको फ़ोन के साथ फ़ोन को ब्लूटूथ ऑन करता हूँ और इससे कनेक्ट करता हूँ इनको। तो मैं जाता हूँ अपने ब्लूटूथ में, बिटवीन स्पोर्ट की रिक्वेस्ट अपने भी आ चुके हैं, शायद वहाँ जाके कर सकते हैं या डायरेक्टली यहाँ से पेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर पेयर हो जाएंगे, देखिए कनेक्शन यहाँ पर शो हो चुका है, देखिए यहाँ पर कनेक्ट हो चुका है। तो मैं यहाँ पर इस पर कोई भी कुछ भी चलाते हैं, जैसे यहाँ पे मैं YouTube ओपन कर लेता हूँ अपना। तो ये रहा मैं YouTube और यहाँ पे इस वीडियो को चलाते, चलो मैं और यहाँ साउंड यहाँ पे इसकी मैं फुल कर देता हूँ। तो मैंने साउंड अपनी फुल कर दी है, और एक मैं कान डालता हूँ अपने और एक मैं आपको सुनाता हूँ। तो कुछ इस तरह की क्या आवाज़ आती है इसके अंदर, तो आपने सुनी होगी इसकी आवाज़ की काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी आती है, मतलब बेस भी से काफ़ी अच्छा है। तो बेस तो खैर इस वीडियो में नहीं होगा, लेकिन मैंने काफ़ी सुना, मतलब यूज़ करा है मैंने इस ईयरफोन को, ये तो काफ़ी टाइम एक महीना यूज़ करा है लगभग मैंने। तो उससे मुझे पता लगा काफ़ी ज़्यादा ईयरफोन्स की जो बेस है, मतलब काफ़ी म्यूज़िक की क्वालिटी बहुत अच्छी आती है इसके अंदर। लेकिन इसमें सिर्फ एक डिफेक्ट है, जो है इसके साइज़ थोड़ा सा बड़ा है इसका, कान में थोड़ा ढंग से फिट नहीं आता है, पर बाकी इसकी सारी क्वालिटीज़ बहुत अच्छी हैं, हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छी मिलेगी इसके अंदर, मतलब कि साउंड क्वालिटी बेस या फिर ईयरफोन्स की क्वालिटी सब कुछ अभी मिलेगी। कनेक्शन भी, बैटरी लाइफ भी इसकी काफ़ी ज़्यादा चलती है, मतलब मैंने इसको यूज़ करा बिना इसके ये पूरा एक दिन चल जाता है। मैं लगातार मैं यूज़ करता हूँ तब भी पूरा एक दिन ये लगातार चल जाता है, और इसके साथ तो ये लगभग तीन दिन चल जाता है आराम से। हम
3 दिन इनके साथ, मतलब 3 दिन ये लगातार चलता रहेगा बिना रुके, बिना चार्जिंग के आप इसे चला सकते हैं बिना बिना किसी प्रॉब्लम के। तो ये देखिए बैटरी लाइफ की बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब मैंने खुद यूज़ करा है, बैटरी इसकी बहुत अच्छी है। तो आप इसको चाहें तो खरीद सकते हैं, अगर आप खरीदने हैं इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी आपकी मर्जी है। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, आपको मेरी पसंद आई हो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट करना ना भूलें, और मेरे चैनल सब्सक्राइब करें ऐसी ही अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।